मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू ताजा रुझानों में लगभग 1,00,000 वोटों से कांग्रेस के नकुलनाथ से काफी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ यहां से एक बार के सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनके लिए भारी मुश्किल। दिग्गज नेता कमलनाथ खुद यहां 9 बार से सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी अलकानाथ 1 बार और उनके बेटे नकुलनाथ ने 1 बार ये सीट जीती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां पर सेंध मार दी और कांग्रेस का ये अभेद्य कहलाने वाला किला आज ढहा दिया गया है। जी हाँ, विवेक बंटी साहू ने काफी बड़ी लीड ले ली है और इसे कवर कर पाना अब नकुलनाथ के लिए काफी मुश्किल है। आपको बता दें कि विवेक बंटी साहू जिला भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में भी वो कमलनाथ के खिलाफ मैदान में उतरे थे और जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और उस दौरान उपचुनाव हुआ था, इसमें भी विवेक बंटी साहू उनके मुकाबले मैदान में थे। उस वक्त विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ के खिलाफ अच्छे खासे वोट हासिल किए थे। इसके बाद विधानसभा चुनाव 2023 में भी विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ के खिलाफ अपना वोट शेयर बढ़ा लिया था, लेकिन इस बार उन्होंने नकुलनाथ को छिंदवाड़ा में घेर लिया था और उनके पीछे पूरी बीजेपी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद विवेक बंटी साहू के लिए मैदान में थे। उन्होंने छिंदवाड़ा में रोड शो किया, विवेक बंटू साहू के लिए प्रचार किया। कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री हैं, वो खुद छिंदवाड़ा में डेरा लगाए हुए थे और कई अन्य मंत्री और सांसद लगातार छिंदवाड़ा के दौरे करते रहे और विवेक बंटी साहू के लिए प्रचार किया। खुद विवेक बंटी साहू लगातार छिंदवाड़ा में गली गली घूमे और गांव गांव उन्होंने लोगों से जनसंपर्क किया, जिसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो ये चुनाव निकाल रहे हैं। बात अगर नकुलनाथ की करें तो नकुलनाथ का कार्यकाल सांसद के रूप में कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। इस दौरान उन्होंने लोगों को निराश ही किया है। कमलनाथ की लेगेसी कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ती नजर आई और जिस विरासत को संभालने का वो दावा कर रहे थे, उस तरह से उसे नहीं संभाल पाए हैं। कमलनाथ का जो एक दबदबा, जो एक ऑरा छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में और उसके आसपास के इलाकों में माना जाता है, वैसी छवि नकुलनाथ नहीं बना पाए थे। उनका बातचीत का तरीका, लोगों से संपर्क करने का तरीका छिंदवाड़ा वासियों को पसंद नहीं आ रहा था, जिसका सीधा फायदा विवेक बंटी साहू को मिला है। और एक जमीनी नेता और कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है, ऐसा नजर आ रहा है, जो निश्चित ही परिणामों में तब्दील हो जाएगा। बड़ा की जनता जो फैसला करती है, मुझे स्वीकार है। सर, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी को कम जो वोटिंग है, सीट है, कम हो रही है सर, लगातार क्या कारण है सर? बिल्कुल, बीजेपी की बहुत कम सीटें हुई हैं। जो कहते थे 300 पार करेंगे, ये अभी 230 पर हैं।